Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel all about food and life. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कोफ्ता करी की रेसिपी. ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होता है. थोड़ा सा टाइम इसे बनाने में लगता है, लेकिन ये जब बन के तैयार होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपको लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई. तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. ये मैंने 300 ग्राम्स के करीब कीमा लिया हुआ है. इसमें मैंने 10% फैट भी ऐड कराया हुआ है. इससे जब आप मीट बॉल्स बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, तो वो अंदर से काफ़ी मॉइस्ट होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं. ये मैंने 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है. इसे हम आधा इस कीमे में मिक्स करेंगे जब मीट बॉल्स बनाएंगे, और आधा इसे ग्रेवी के लिए छोड़ देंगे. और ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया हुआ है. ये एक मीडियम साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया लेके उसका मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया. दरदरा सा रखिएगा इसे, इसमें बिना पानी के इसे बनाइएगा. ये 4 टीस्पून बेसन है. इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और ठंडा करके आप इसे मिक्स करिएगा, वरना जब आप मीट बॉल बनाएंगे तो उसमें छोटे छोटे से लम्ब से बन जाते हैं. ये 4 टीस्पून है. इसे हम 3 टीस्पून कीमे में डालेंगे और 1 टीस्पून को बचा के रखेंगे ग्रेवी के लिए. ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है. ये भी मीट बॉल में ही, यानी कि कोफ्ते में के कीमे में ही जाएगा. तो चलिए पहले हम कीमे में सारे मसाले डाल के अपने कोफ्ते मीट बॉल्स तैयार कर लेते हैं. उसके बाद मैं आपको ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी. ये मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं. अब हम इसे हाथों को अच्छे तरीके से साफ करके हाथों से पूरा मिक्स कर लेंगे. देखिए, कीमे में अच्छे तरीके से मसाले सारे मिक्स हो गए हैं. मुझे 4 टीस्पून जो मैंने बेसन ड्राई रोस्ट किया हुआ था, वो मैंने इसमें 3 टीस्पून पहले डाला था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने पूरा 4 टीस्पून इसमें डाल दिया है. ग्रेवी के लिए 1 टीस्पून मैं बाद में रोस्ट करके रख लूँगी. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बेसन आप मत डाल दें, वरना फिर जो मीट बॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, तो मसाले उसके अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते. जो ग्रेवी के मसाले होते हैं वो अंदर तक नहीं जाते हैं, तो वो बहुत अजीब सा लगता है. अब हम 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे, और तब तक हम अपनी ग्रेवी के मसाले देख लेते हैं. इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन करके उसे हल्का सा दरदरा, थोड़ा सा पानी डाल के दरदरा सा उसका पेस्ट बना लिया है. और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने लिया था, उसी का आधा हिस्सा उसमें डाल दिया था मीट बॉल में, और आधा ये है. ये हरा धनिया ली हुई है मैंने. ये 2 हरी मिर्चें हैं. ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है. ये ग्रेवी के लिए है. ये कुछ साबुत मसाले, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बेलीफ है, एक सिनेमन स्टिक का छोटा सा टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 2 लौंग हैं. ये कुछ पाउडर मसाले हैं. ये 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है. जैसे कि हमेशा कहती हूँ मैं कि नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. ये 1 टीस्पून बेसन है. इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है. इस बेसन को ड्राई रोस्ट करके उसका पेस्ट बना के डालने से जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी स्मूथ सी बनती है. तेल और पानी की क्वांटिटी मैं कुकिंग के टाइम पे ही आपको बताऊंगी. तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम कीमे के मीट बॉल्स बना लेते हैं, मीडियम साइज़ के. देखिए, हमारे मीट बॉल्स बन के रेडी हैं. अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं. देखिए, तेल हमने चढ़ा दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया अच्छे से. अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे. इन्हें फ्राई करते हुए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो ओवर क्राउडेड मत करिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा, और दूसरा इन्हें ज़्यादा हिलाइए डुलाइएगा नहीं, इससे ये टूट सकते हैं. देखिए, हमारे कोफ्तों का अच्छा सा कलर आ चुका है. बस हमें इससे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, अब हम इसे निकाल लेते हैं. देखिए, हमारे मीट बॉल्स बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं. मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आपको जैसे लगे कि कीमा थोड़ा सा गीला है या थोड़ा बेसन उसमें कम है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, मीट बॉल्स टूट रही हैं, तो आप फ़ौरन से उसमें जो आपका कीमा रखा हुआ है उसमें एक अंडा तोड़ करके डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें, फिर मीट बॉल बनाएं. आपकी बहुत अच्छी मीट बॉल्स तैयार होंगी. जो मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल लिया हुआ था उसी को मैंने कम कर दिया. इसमें 1 कप रहने दिया है पैन में. अब इसी में हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे. तेल गरम हो गया. अब हम इसमें जो हमने साबुत मसाले लिए हुए थे वो डाल के सौते कर लेंगे. अब हमने जो प्याज का दरदरा सा पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे. फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, और जितने भी हमने ड्राई मसाले लिए हुए थे, पाउडर मसाले, गरम मसाले को छोड़कर सब इसी में डाल देंगे. थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं. जब
जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमारा बचा हुआ था वो भी हम इसी में डाल लेंगे। अभी ध्यान रखिएगा मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनिएगा और लगातार चलाते हुए भूनिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे और ग्रेवी का कलर बहुत ख़राब लगेगा। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भूनकर रेडी है, हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल लेते हैं 150 ml के करीब। पानी डालने के बाद जो हमने बेसन ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था हम उसे अच्छा सा पेस्ट बना के उसका इसमें डाल लेंगे। ध्यान रहे पेस्ट बना के ही डालना है, अगर ऐसे आप डालेंगे बेसन को तो इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे। बेसन का पेस्ट डालने के बाद आप इसे लगातार स्टर करते हुए 1 मिनट तक पका लें। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी और डाला है क्योंकि अभी हम इसमें मीट बॉल्स डालेंगे और वो थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब करेंगे, बढ़ेंगे वो, क्योंकि उसमें बेसन वगैरह पड़ा हुआ है तो ये पानी अपने आप कम हो जाएगा और आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसी स्टेज पे हम मीट बॉल्स इसमें डाल देंगे ग्रेवी में अपनी। देखिए मीट बॉल्स हमने इसमें डाल दिए, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे ढक के कवर करके 10 से 12 मिनट तक के पकाएंगे। हमारी कोफ्ता करी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसी स्टेज पर हरी धनिया और हरा मिर्च जो हमने काट के रखा था और गरम मसाला इसमें डाल देंगे। अब हम इसे फिर से लिड से कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे फिर से पका लेंगे। हमारी कोफ्ता करी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। देखिए अब हमारी रेशमी सिल्की स्मूथ सी कोफ्ता करी तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट है एकदम। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट गया, देखिए अंदर से बिल्कुल कितना अंदर तक ये सब मसाला भी चला गया। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, अगर आप मेरे बताए तरीके से बनाएंगे तो आपके मटन कोफ्ता करी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा सा बनेगा, सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी होगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और किन टॉपिक्स पर आप मुझे वीडियो और बनाने चाहिए। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह हाफिज़।